श्रावस्ती में गौ हत्या को लेकर ग्रामीणों ने किया उग्र प्रदर्शन। जनपद श्रावस्ती में तो जैसे अपराध करने का नाम नहीं ले रहा, या यूं कहे कि अपराधियों के अंदर से पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इसी का परिणाम रहा कि जनपद में कई जगहों पर हफ्ते भर में अपराधियों ने कई बड़ी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के सामने एक चुनौती सी खड़ी कर दी है। पर पुलिस है कि उसे जनपद में हो रहे अपराध तो जैसे दिखाई नहीं देते, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधियों ने जनपद में गौकशी करके सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी घटना को अंजाम दे दिया। घटना को लेकर जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू किया तब जाकर प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटी। आपको बता दें कि ताजा मामला जनपद श्रावस्ती के सिरसिया थाना अंतर्गत विष्णापुरा पड़वलिया गांव में एक व्यक्ति के घर से उसके गाय को कुछ लोग खोल के ले गए थे, जिसके बाद गांव के सैकड़ों लोग सिरसिया थाना पर पहुंचकर कलीम नामक व्यक्ति के ऊपर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए। वहीं गांव के नहर में गाय का सर तैरता देखने पर गांव वाले एक बार फिर उग्र हो गए। मामले को बढ़ता देख जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी और सीओ विंगा ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। सीओ विंगा और उप जिलाधिकारी द्वारा लोगों को विश्वास दिलाया गया कि दोषी व्यक्तियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई। सर, आपके द्वारा जो है आज निरीक्षण किया गया यहाँ जो है बिश्नापुर पड़वलिया गांव में जो है गौ हत्या को लेकर के, जो कि तीन दिन चार दिन पहले का मामला है और जो है आज उसका जो है सर मिला है, जो गाय की हत्या हुई थी जिसको जो है मारा गया था, इसके बारे में क्या कहना है? परसों ये जानकारी मिली थी गौ हत्या की, उसके बारे में थाने पर सिरसिया थाने पर मुकदमा लिखा गया था। आज सुबह उसका सिर मिला हुआ है, उसको पुलिस ने कब्जे में लिया है। डॉक्टर की टीम आई है, उसका जांच पड़ताल वो भी अपनी कर रहे हैं और इस पे अब आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई है कठोर से कठोर वो की जाएगी। सर, किसी की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, हुई है। एक की गिरफ्तारी हुई है, जो नामजद है, जो नामजद था इसमें उसको अरेस्ट कर लिया गया है।